स्कारलेट में अध्ययन, खून के लाल रंग पर तहकीकात। वर्ष 1878 में मुझे लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि मिली और मैं सेना में सर्जनों के लिए तय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए इटली रवाना हुआ। वहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं सही वक्त पर असिस्टेंट सर्जन के तौर पर 5वीं नॉर्थम्बरलैंड फ्यूसिलिया में दाखिल हो गया। यह रेजिमेंट उस समय भारत में थी। मेरे वहां पहुंचने के पहले ही दूसरी अफगान लड़ाई छिड़ चुकी थी। मुंबई में उतरने से पहले ही मुझे पता चला कि मेरी पलटन दर्रों से गुजरकर दुश्मन के देश में दाखिल हो चुकी है। फिर भी मेरे जैसे हालात में फंसे कई दूसरे अफसरों के साथ मैं उनके पीछे पीछे गया और सही सलामत कांधार पहुंचने में कामयाब रहा, जहां मैंने अपनी रेजिमेंट को ढूंढ निकाला और फौरन अपना काम संभाल लिया। कई लोगों के लिए यह लड़ाई इज्जत और कामयाबी लाई थी, पर मेरे लिए तबाही के अलावा यह कुछ नहीं थी। मुझे अपनी ब्रिगेड से हटाकर बर्कशायर के साथ कर दिया गया, जिनके साथ मैंने मायवांड की खूनी लड़ाई में काम किया। वहां मेरे कंधे पर एक गोली लगी, जिसने मेरी हड्डी को चूर चूर कर दिया और हंसली की धमनी को छील डाला। मेरा अर्दली एक घोड़े पर मुझे लाद कर अंग्रेजों के खेमों तक सही सलामत पहुंचाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वफादारी और बहादुरी के बगैर मैं खूंखार गाजियों के हाथों में पड़ गया होता। दर्द की वजह से मैं परेशान था और शरीर भी कमजोर हो गया था, इसलिए मुझे बहुत सारे जख्मी रोगियों के साथ पेशावर के बेस सैन्य अस्पताल में पहुंचा दिया गया। यहां मेरी सेहत में इतना सुधार हुआ कि मैं वार्डों में चल फिर सकता था और बरामदे में धूप भी सेंक सकता था। फिर मुझे आंतों के बुखार ने दबोच लिया, जो हमें हिंदुस्तान से विरासत में मिला था। महीनों तक मेरी जिंदगी में मायूसी छाई रही और आखिर में जब मैंने होश संभाला और मेरी तबीयत सुधरने लगी, तब तक मैं इतना कमजोर और पतला हो चुका था कि एक मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया कि मुझे वापस इंग्लैंड भेजने में एक दिन की भी देरी न की जाए। इसीलिए मुझे ओरोंटीस नामक जहाज में रवाना कर दिया गया और एक महीने बाद मैं के तट पर उतरा। मेरी तबीयत हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी, पर नेकदिल सरकार से इजाजत मिल गई थी कि अगले 9 महीनों तक मैं अपनी सेहत सुधारने की कोशिश करूंगा। इंग्लैंड में मेरा कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैं हवा की तरह आज़ाद था, या उतना आज़ाद जितना रोजाना 11 शिलिंग और 6 पेंस वर्ष 1878 के हिसाब से कमाने वाला इंसान हो सकता था। इन हालात में मैं कुदरती तौर पर लंदन की ओर खींचा चला गया। लंदन यानी वह बड़ा नाला जो पूरी ब्रिटिश हुकूमत के आलसियों निटलों को अपनी ओर खींच लेता है। वहां मैं कुछ समय के लिए स्ट्रैंड में एक प्राइवेट होटल में रहा, एक आरामहीन बेकार जिंदगी बिताता रहा। मैं उससे ज्यादा खर्च करता था जितना मुझे करना चाहिए था। मेरी जमा पूंजी की हालत इतनी पतली हो गई थी कि मैंने जल्दी ही महसूस किया कि मुझे इस जगह से निकलकर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में सादी जिंदगी बितानी चाहिए या अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए। दूसरे रास्ते को चुनते हुए मैंने फैसला किया कि यह होटल छोड़कर किसी कम चकाचौंध वाली और कम महंगी जगह कमरा ढूंढूं। जिस दिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा, उसी दिन मैं क्राइटेरियन बार पर खड़ा था। किसी ने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। पीछे मुड़ने पर मैंने स्टैमफोर्ड को देखा, जो बाथ्स में मेरे नीचे एक ड्रेसर था। एक अकेले इंसान के लिए लंदन की बड़ी बड़ी भूल भुलैयों में किसी दोस्त का चेहरा नजर आना बड़ा अच्छा लगता है। स्टैमफोर्ड मेरा कोई नजदीकी दोस्त नहीं था, पर मैं तपाक से उससे मिला। वह भी मुझे देखकर खुश हुआ। मैंने उससे होलबर्न में अपने साथ लंच करने के लिए कहा। फिर हम दोनों एक साथ घोड़ा गाड़ी हैंसम में रवाना हुए। तुम अपने साथ आखिर कर क्या रहे थे, वाटसन? उसने ताज्जुब से पूछा। उस वक्त हम लंदन की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे थे। तुम डंडे की तरह पतले और मूंगफली की तरह भूरे हो रहे हो। मैंने उसे संक्षेप में अपने कारनामों के बारे में जानकारी दी। अपनी मंजिल पर पहुंचने तक मैं कहानी बस खत्म करने ही वाला था। बेचारा भूत, जब उसने मेरे हालात के बारे में सुना तो उसने तरस खाकर कहा, अब तुम क्या कर रहे हो? रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। यह दिक्कत सुझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यह मुमकिन है कि सही दामों पर आरामदेह कमरा मिल सकेगा। बड़ी अजीब बात है, मेरे मित्र ने टिप्पणी की, आज तुम दूसरे इंसान हो जिसने यह बात मुझसे कही है। और पहला कौन था, मैंने पूछा। अस्पताल रसायन प्रयोगशाला में काम करने वाला एक व्यक्ति। आज सुबह ही वह अफसोस जाहिर कर रहा था कि उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो उन अच्छे कमरों में रहने का खर्चा उसके साथ बांट ले जो उसने ढूंढे थे, पर उसकी जेब पर भारी पड़ रहे थे। और हाँ, मैं चिल्ला पड़ा, अगर हकीकत में वह ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में है जो उसके कमरे और खर्चा बांटने के लिए तैयार है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल सही हूँ। मैं चाहता हूँ कि अकेले रहने की बजाय मैं किसी के साथ रहूँ।
युवा स्टैमफोर्ड ने अपने वाइन गिलास के ऊपर से मुझे अजीब नजरों से देखा। फिर बोला, तुम अभी शर्लॉक होम्स को नहीं जानते हो, शायद तुम उसे लंबे अरसे तक साथी के तौर पर न रखना चाहो। क्यों, ऐसा क्या है उसके खिलाफ? ओह, मैंने यह नहीं कहा है कि उसके खिलाफ कुछ है, वह अपने ख्यालातों में थोड़ा सा अजीब है, विज्ञान की कुछ शाखाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जहां तक मैं जानता हूं, वह एक शरीफ इंसान है, शायद मेडिकल का छात्र है, मैंने कहा। नहीं, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि वह क्या करना चाहता है। मैं सोचता हूं कि शायद वह एनाटॉमी, शरीर रचना में काफी जानकारी रखता है और वह आला दर्जे का केमिस्ट भी है, पर जहां तक मैं जानता हूं, उसने ढंग से कोई मेडिकल क्लास नहीं ली है। उसकी जानकारी बेहद अटपटी और अजीब है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी इधर उधर की जानकारी इकट्ठी कर ली है, जो उसके प्रोफेसरों को भी हैरत में डाल सकती है। क्या तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि वह क्या करने की सोच रहा है? नहीं, वह इस तरह का इंसान नहीं है कि जिसके अंदर की बात आसानी से निकाली जा सके, हालांकि जब उस पर सनक सवार होती है, तब वह काफी बातूनी बन जाता है। मैं उससे मिलना चाहूंगा, मैंने कहा, अगर मुझे किसी के साथ रहना पड़ता है तो मैं किसी पढ़ाकू और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूंगा। मैं अभी इतना तंदुरुस्त नहीं हुआ हूं कि ज्यादा शोरगुल बर्दाश्त कर सकूं। अफगानिस्तान में मैं इतना ज्यादा भुगत चुका हूं कि मेरी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। मैं तुम्हारे इस दोस्त से कैसे मिल सकता हूँ? वह लैब में ही होगा, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। वह या तो हफ्तों तक उस जगह से कतराता है या फिर सुबह से शाम तक वहीं काम करता रहता है। अगर तुम चाहो तो लंच के बाद हम वहां चल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया और बातचीत का रुख दूसरी बातों की ओर मुड़ गया। होलबर्न छोड़ने के बाद जब हम अस्पताल की ओर जा रहे थे, तो स्टैमफोर्ड ने उसके बारे में कुछ और जानकारी दी जिसके साथ रहने का मैं मन बना रहा था। अगर तुम्हारी उससे न पटे तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना, वह बोला, मैं उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता जितना लैब में कभी कभार उससे मुलाकात होने पर मैं जान पाया हूँ। यह सुझाव तुम्हारी ओर से आया था, इसलिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। अगर हमारी नहीं पटेगी तो अलग होना आसान होगा, मैंने जवाब दिया। मुझे लगता है स्टैमफोर्ड, मैंने आगे कहा और अपने दोस्त की ओर गौर से देखा, इस मामले से हाथ धो लेने की तुम्हारे पास जरूर कोई वजह है। क्या इस आदमी का गुस्सा बहुत तेज है या और कोई बात है? इस बारे में घुमा फिरा कर बात मत करो। अंक ही बात को कहा नहीं जा सकता, हंसते हुए उसने जवाब दिया, मेरी दिलचस्पी के हिसाब से होम्स कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक दिमाग रखता है, प्रायः अन्ना और रूखा सा रहता है वह। कभी भी वह अपने दोस्त को चुटकी भर वनस्पति वेजिटेबल एल्कालाइड चटाता है, किसी दुष्टता से नहीं, समझे, पर सिर्फ इस कुतूहल से यह देखने के लिए कि उसका ठीक ठीक क्या असर होता है। उसकी सिफारिश करते हुए मैं सोचता हूँ कि उसी उतावलेपन से वह उसको खुद भी चख लेता होगा। ऐसा लगता है कि उसे ठीक ठीक जानकारी हासिल करने का जुनून है। यह ठीक भी है, हाँ, पर कभी भी कुछ ज्यादती भी हो जाती है। जब चीरफाड़ के कमरे में वह लाशों को डंडे से मारता है तो यह पागलपन ही मालूम पड़ता है। लाशों को मारता है, हाँ, यह साबित करने के लिए कि मौत के बाद किस हद तक जख्म पहुंचाए जा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते देखा है। और फिर भी तुम कहते हो कि वह मेडिकल का छात्र नहीं है? नहीं, यह तो वही जानता है कि उसकी स्टडी का क्या टॉपिक है। पर हम यहाँ आ पहुँचे हैं, अब तुम्हें उसके बारे में अपनी राय खुद बनानी होगी। जब वह बोल रहा था, हम एक संकरी गली में मुड़े और एक छोटे से साइड दरवाजे से गुजरे जो एक बड़े अस्पताल के एक भाग में खुलता था। मेरे लिए यह इलाका जाना पहचाना था। बदरंग सी पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं थी। हम सफेदी की हुई दीवारों और धुंधले काले रंग के दरवाजों के बीच से गैलरी में अपने रास्ते चलते गए। गैलरी के दूसरे छोर के पास एक नीचा सा गुंबद के आकार का रास्ता निकला और हमें केमिकल लैब तक ले गया। वह एक बहुत आलीशान कमरा था जो लाइन से लगी अनगिनत बोतलों से भरा हुआ था। चौड़ी नीची मेजें इधर उधर रखी थी, उन पर तरह तरह के बकयंत्र, रिटार्ट, परखनली, टेस्ट ट्यूब और छोटे छोटे बुनसिन लैंप अपनी नीली लपलपाती लपटे उगल रहे थे। कमरे में सिर्फ एक ही छात्र था जो दूर वाली मेज पर झुका अपने काम में तल्लीन था। हमारे कदमों की आवाज से उसने चारों ओर देखा और खुशी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, वह मेरे दोस्त को देख कर जोर से बोला। उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब था जिसे लेकर वह हमारी ओर दौड़ता आ रहा था। मैंने एक ऐसा रिएजेंट ढूंढ लिया है जो हीमोग्लोबिन से ही मजबूत हो सकता है, किसी और से नहीं।
यदि उसने सोने की खान ढूंढ ली होती तब भी उसके चेहरे पर इससे ज्यादा खुशी नहीं चमक सकती थी। डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर शर्लॉक होम्स, स्टैनफोर्ड ने हमारा परिचय करवाते हुए कहा। हाउ आर यू, उसने विनम्रता से कहा और मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा जितना कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगता है कि आप अफगानिस्तान होकर आए हैं। अरे, आपको यह कैसे मालूम पड़ा? मैंने हैरानी से पूछा। कोई बात नहीं, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। अब सवाल हीमोग्लोबिन का है। मेरी इस खोज की आपको बेशक अहमियत मालूम तो होगी। इसमें कोई शक नहीं कि रासायनिक तौर पर यह बहुत दिलचस्प है, पर व्यवहारिक रूप से क्यों भाई? यह तो वर्षों पुरानी चिकित्सा कानून संबंधी सर्वाधिक व्यवहारिक खोज है। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि खून के धब्बों का यह शर्तिया टेस्ट है? इधर आओ। तुरंत उत्साह में उसने मेरे कोट की आस्तीन को पकड़कर उस मेज की ओर खींचा जहां वह काम कर रहा था। थोड़ा सा ताज़ा खून लेना पड़ेगा, उसने एक लंबा सुआ अपनी उंगली में चुभोते हुए कहा और इसकी वजह से निकली खून की बूंद को एक पतली नलिका में इकट्ठा कर लिया। अब मैं इस खून को एक लीटर पानी में मिलाऊंगा। तुम गौर करोगे कि यह मिश्रण शुद्ध पानी जैसा दिखाई पड़ेगा। खून का अनुपात 10 लाख में एक से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर भी मुझे कोई शक नहीं है कि हम इससे होने वाला रिएक्शन पालेंगे। बोलते बोलते उसने बर्तन में कुछ सफ़ेद दाने डाले और फिर एक पारदर्शी तरल पदार्थ की कुछ बूंदें उसमें मिला दी। पल भर में ही वह मिश्रण हल्के भूरे रंग का हो गया। भूरे से रंग की धूल उस कांच के जार के तल पर जम गई। हाँ हाँ, वह ताली बजाते हुए चिल्लाया। उस समय ऐसा लग रहा था मानो एक नया खिलौना पाकर बच्चा खुश हो रहा हो। इसके बारे में क्या राय है? यह बहुत ही नाजुक टेस्ट मालूम होता है, मैंने कहा। सुंदर, अति सुंदर। पुराना वाला बहुत फूहड़ और अनिर्णायक था। ब्लड कॉर्पसल, रक्त कणिका का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी ऐसा ही था। अगर धब्बे कुछ घंटे पुराने हो जाते हैं तो यह बेकार हो जाता है। अब चाहे खून पुराना हो या नया, यह नया टेस्ट उतना ही असरदार रहता है। अगर इस टेस्ट की पहले खोज कर ली गई होती तो सैकड़ों ऐसे लोग जो आज़ाद घूम रहे हैं, वे अपने जुर्म की सजा भुगत रहे होते। वाकई, मैं बुदबुदाया। जुर्म के मामले अक्सर इसी एक मुद्दे पर लटके रहते हैं। एक इंसान गुनाह के कई महीनों बाद शक के दायरे में आता है। उसके कपड़ों का टेस्ट किया जाता है और उन पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये खून के धब्बे हैं या मिट्टी के धब्बे हैं या जंग के या फलों के या किस चीज़ के धब्बे हैं? यह सवाल है जिसने अनेक विशेषज्ञों को उलझन में डाला है। और क्यों? क्योंकि कोई भरोसेमंद टेस्ट नहीं था। अब हमारे पास शर्लॉक होम्स टेस्ट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलते समय उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपने दिल पर अपना हाथ रखा और किसी काल्पनिक भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट को झुककर सलाम किया। तुम बधाई के हकदार हो, उसकी खुशी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मैंने कहा। पिछले साल फ्रैंकफर्ट में वान बिश्चौफ का केस था। अगर यह टेस्ट तब मौजूद होता तो वह शर्तिया सूली पर लटका दिया जाता। फिर ब्रेडफोर्ड का मेसन था, कुख्यात मुलर और मोंटपेलिया का लिफेवरे और न्यू ऑर्लियंस का सैमसन। मैं ऐसे बीसियों केस गिना सकता हूँ जिनका यह टेस्ट फैसला कर देता। तुम गुनाह के चलते फिरते कैलेंडर लगते हो, हंसते हुए स्टैनफोर्ड ने कहा। इस आधार पर तुम अखबार निकाल सकते हो। उसे तुम उसे पुलिस के भूतपूर्व समाचार का नाम दे सकते हो। यह काफ़ी दिलचस्प भी होगा पढ़ने में। अगली अंगुली पर सुआ चुभने की जगह प्लास्टर का छोटा सा टुकड़ा चिपकाते हुए शर्लॉक होम्स ने फप्ती कसी। मुझे होशियार रहना पड़ेगा, वह बोलता गया, फिर मुस्कराते हुए मुड़कर मुझे देखा। क्योंकि मुझे जहरीले पदार्थों से काफ़ी उलझना पड़ता है, बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने गौर किया कि वह ऐसे ही प्लास्टर के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा पड़ा था और तेज एसिडों से बदरंग हो रहा था। हम यहाँ काम से आए हैं, एक ऊंचे तिपाई स्टूल पर बैठते हुए और एक पैर से दूसरा स्टूल मेरी ओर खिसकाते हुए स्टैनफोर्ड ने कहा। यह मेरा दोस्त रहने की जगह चाह रहा है और क्योंकि तुम शिकायत कर रहे थे कि तुमको आधा किराया बांटने वाला कोई नहीं मिल रहा है, मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि तुम दोनों को मिला दूँ। मेरे साथ कमरा बांटने के ख्याल से शर्लॉक होम्स खुश दिखाई पड़ा। मेरी नज़र बेकर स्ट्रीट के एक सूट पर है, उसने कहा, जो हमारे लिए पूरी तरह ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको तेज तंबाकू की महक से एतराज नहीं है। मैं तो खुद ही सिगरेट सुलगाता हूँ, मैंने जवाब दिया। वह तो ठीक है, मेरे पास अक्सर ही केमिकल रहते हैं और कभी भी मैं टेस्ट भी किया करता हूँ। इससे तुमको खींच तो नहीं होगी? किसी भी तरह की नहीं। मुझे देखने दो मेरी दूसरी कमियाँ कौन कौन सी हैं। मैं कभी भी मूडी हो जाता हूँ और कई कई दिनों तक मुँह नहीं खोलता। जब मैं ऐसे करूं तो तुम यह मत सोचना कि मैं यूं ही ऐठ रहा हूं।
बस मुझे अकेला छोड़ देना और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब तुम्हारे पास कबूलने के लिए क्या है? यह अच्छी बात होगी कि दोनों लोगों को एक दूसरे की बुरी से बुरी आदतों की जानकारी हो, इसके पहले कि वे साथ साथ रहना शुरू करें। इस बात पर मैं हंसा। मैंने एक छोटा पिल्ला पाला हुआ है, मैंने कहा, मुझे शोर शराबे से ऐतराज है क्योंकि मेरा दिल सिहर जाता है और मैं वक्त बेवक्त जग जाता हूँ। मैं बेहद आलसी हूँ। जब मैं तंदुरुस्त होता हूँ तो मेरे अंदर दूसरी तरह की बुराइयाँ होती हैं, पर अभी के लिए यही मेरी खास बुराइयाँ हैं। वायलिन बजाना क्या तुम्हारे शोर शराबे की लिस्ट में शामिल है? उसने बेचैन होकर पूछा। यह तो बजाने वाले पर है, मैंने जवाब दिया, अच्छी तरह बजा वायलिन तो सभी को अच्छा लगेगा। बुरी तरह बजाया जाने वाला वायलिन तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ओह, वह सब ठीक है, खुशी से हंसते हुए उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि हम यह मामला निपटा हुआ समझें। यदि कमरे तुमको पसंद आ जाते हैं तो हम कमरों को कब देखेंगे? कल दोपहर यहाँ पर मुझसे मिलने आ जाना और हम एक साथ जाकर मामला पक्का कर लेंगे, उसने जवाब दिया। ठीक है, कल दोपहर ठीक 12 बजे, उससे हाथ मिलाते हुए मैंने कहा। हमने उसे अपने केमिकलों के बीच काम करते हुए छोड़ा और हम साथ साथ अपने होटल की ओर बढ़े। वैसे मैंने रुककर स्टैमफोर्ड की ओर मुड़कर अचानक पूछा, उसे यह कैसे मालूम पड़ा कि मैं अफगानिस्तान से आया हूँ? मेरा दोस्त रहस्यमय तरीके से मुस्कराया, यह उसकी एक छोटी सी खासियत है, वह बोला, काफी सारे लोगों ने जानना चाहा है कि वह यह कैसे पता कर लेता है। ओह, तो यह एक राज है, हाथ मिलाते हुए मैंने कहा, यह बिल्कुल साफ है। हमें साथ मिलाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानों की सही जानकारी किसी आदमी के बारे में तहकीकात करने पर होती है। तब फिर तुम इसको पढ़ना, मुझसे विदा लेते हुए स्टैमफोर्ड ने कहा, पर तुम्हें वह बहुत पेचीदा जान पड़ेगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम उसके बारे में जितना जान पाओगे उससे ज्यादा वह तुम्हारे बारे में जान लेगा। गुड बाय।